दोस्तों कितने भाई लोग का कमेंट आता है, कहते हैं कि मुझे गाड़ी चलाने में डर लगता है। पहली बात दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी काम जब आप पहली बार करोगे तो आपको डर लगेगा ही लगेगा। गाड़ी भी आप चलाते हो, जब पहली बार सीट पर बैठोगे ड्राइविंग करने के लिए तो आपको डर लगेगा ही लगेगा। 10 या 15 दिन तक आपको काफ़ी डर लगेगा, उसके बाद धीरे 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 आपका डर निकलता जाता है। जितना ही आप ड्राइविंग ज़्यादा करोगे, एक दिन में जैसे 1 घंटा 2 घंटा अगर चला रहे हो, अगर आप कंटिन्यू 10 से 15 दिन गाड़ी चला लोगे 2-3 घंटा दिन में, तो आपके अंदर से धीरे धीरे डर निकल जाएगा। दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि आपको रोड पे गाड़ी चलाते टाइम क्या क्या सावधानियाँ करनी चाहिए और कौन कौन सी वो बातों का ध्यान रखना है जिससे आपके अंदर से डर बहुत जल्दी निकल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोचो कि ये वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर से तुरंत डर निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है किसी के साथ। हाँ, निरंतर आप काम करते रहोगे तो आपके अंदर से डर धीरे धीरे निकलता जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप एक ड्राइवर हो तो गाड़ी चलाने तो आपको आता ही है, लेकिन अगर आप नए हो तो उसमें क्या होता है कि आपको गाड़ी चलाने में डर लगता है। डर क्या लगता है, जैसे आपके सामने कोई गाड़ी अचानक घुस गई, या तो इधर से या तो राइट से, जैसे कि अभी देखो इनोवा घुस गई, तो ऐसी जगहों पर आपको डर लगता है कि आखिर मैं करूँ क्या। आपके अंदर थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाती है, मैं क्या करूँ। दोस्तों उसमें आपको करना कुछ नहीं, देखिए जैसे कि आपको पता है कि गियर है, गियर आप चाहे जब चेंज करो कोई फ़र्क नहीं करता है। बस आपको ऐसी जगहों पे क्या करना है, अगर आपकी गाड़ी 50 के नीचे चल रही है, 50 से कम स्पीड है दोस्तों, जैसे देखिए अभी मेरी गाड़ी 40 पे चल रही है, तो उसमें आपको करना क्या है, आप इस तरह से ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आपके सामने कोई इमरजेंसी या अचानक कुछ हो जाता है, आपको अगर ब्रेक लगाना है तो आपको क्लच दबाना है, ब्रेक लगा देना है, गाड़ी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी समझो 50 के ऊपर स्पीड में चल रही है, तो उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इतना ध्यान दो, पहले आपको ब्रेक दबाना है। जब आप ब्रेक दबाओगे तो आपकी गाड़ी अगर 5वां नंबर गियर पे चल रही है, तो उसमें आपकी गाड़ी 40 की स्पीड तक आएगी, तब तक आपकी गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। और जब 40 पे आ जाए, देखिए जैसे अभी 40 पे आ चुकी है, तो उसमें आपको क्या करना है, क्लच दबा के ब्रेक को लगा देना है दोस्तों। तो इस तरह से आपकी गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी, आपको डरना नहीं है। और हाँ, ड्राइविंग करने के टाइम कभी भी आपको एक टक सामने नहीं देखना है, एक निगाह से आपको देखना है, कभी भी सामने भी देखना है, मिरर में भी देखना है, और बैक साइड में भी मिरर में देखना है, इसमें भी देखना है, मतलब आप अपनी नज़र को चारों तरफ घुमाते रहो। ऐसा नहीं कि बस एक ही तरफ देखते रहो सामने, अगर आप सामने ही देख के गाड़ी चलाओगे तो कोई भी लेफ्ट या राइट से आपके सामने घुसेगा तो आप जल्दबाजी में डर जाओगे। इसके दोस्तों कभी भी डरे नहीं, आप ड्राइविंग करें, हाँ चारों तरफ निगाह घुमाते रहोगे तो आपको क्या होता है कि चारों तरफ की गाड़ियों का अंदाज़ा रहता है, जैसे कि लेफ्ट साइड से कौन गाड़ी आ रही है कितनी स्पीड है, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है कितनी स्पीड है, राइट साइड से कौन सी गाड़ी आ रही है कितनी स्पीड है, और सामने कौन सी गाड़ी चल रही है। अगर आप चारों तरफ अपना निगाह घुमा के रखोगे, अपनी नज़र को घुमाते रहोगे, तो आपको ड्राइविंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सामने ही देखकर बस गाड़ी चलाते रहोगे, आपके सामने कोई अचानक आ जाएगा तो आप डर जाओगे। दोस्तों डरना नहीं है कभी भी, आपको ड्राइविंग इसी प्रकार से करना है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा देना। अगर आपका भी कोई राय है, कोई सुझाव है, तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।